देखिए, इसका नेतृत्व स्वयं किसान कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा। जहाँ तक हमारा सवाल, हमारी पार्टी का सवाल है, उनकी मांगों का समर्थन किया है, क्योंकि उनकी मांग जायज है। बहुत लंबा आंदोलन हो गया, सरकार को चाहिए कि इनसे वार्तालाप करके इसका समाधान निकले, उनकी बात माने, ताकि किसान जो इतने दिन से बैठा है अपने घर जाए, अपना खेत उसका काम संभाले, जल्द इसको तुरंत जो है इसको जो है इसका समाधान निकालना चाहिए। इसके साथ में सर, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों बैठक की थी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो हरियाणा बीजेपी के नेता हैं वो अब ग्राउंड स्तर पर जाएंगे और किसान कानूनों के जो फायदे हैं वो कहीं ना कहीं जो है तमाम लोगों को बताते हुए नजर आएंगे। एक तरफ जहाँ, दूसरी तरफ महापंचायतों ने, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को देखते हुए इस तरीके की रणनीति अपना रही है। वो तो उनकी पार्टी की रणनीति है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कानून है किसान के हित के नहीं है। सर, पंचायत चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव में आने वाले समय में होने वाले हैं। पंजाब में पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल है, किस तरीके से सर इसको देख रहे हैं? हरियाणा में भी यही नतीजा आएगा। हरियाणा में हालांकि पंचायत जो है, ग्राम पंचायत सिंबल पे नहीं लड़ते हैं, कॉरपोरेशन ही लड़ते हैं। अभी कॉरपोरेशन का तो कोई है नहीं, पिछली बार कॉरपोरेशन का हुआ था तो 3 में से 1 ही जगह बीजेपी जीतती थी और 1 जगह कांग्रेस जीती थी, 1 जगह इंडिपेंडेंट पार्टी जीती थी। अब देखो, पंचायत का अभी पार्टी ने फैसला नहीं किया, सिंबल पे लड़ना ही नहीं लड़ना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो बीजेपी जेजेपी सरकार है, वो लोगों का विश्वास खो चुकी है हरियाणा में।